हेलो फ्रेंड्स, मैं एसएस राजप्रीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजप्रीत हाइड्रोपोनिक पर। दोस्तों, हम बात करेंगे आज हमारे कुछ प्लांट्स के ग्रोथ के बारे में। और जो मैंने पहले टमाटर के पौधे लगाए थे उनकी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इसमें टमाटर लगे हुए हैं और इस तरफ फ्रूटिंग भी, ये फ्लावरिंग भी शुरू है और इसमें भी टमाटर थोड़ी देर कुछ ही दिनों में लग जाएंगे। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे भी फ्लावरिंग धीरे धीरे हो रही है और कुछ हमारे टमाटर यहाँ पे भी लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए, कुछ यहाँ पे भी टमाटर लगे हुए हैं, कुछ टमाटर यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये देखिए, कुछ छोटे छोटे टमाटर यहाँ पे भी है। ये चेरी टमाटर है जो कि मैंने दो तीन पौधे लगाए थे चेरी टमाटर के, उसकी प्रोग्रेस है। ये देखिए, कुछ टमाटर तो हमारे पकने लग गए। ये देखो, तो एक दो चेरी टमाटर के मैंने पौधे लगाए थे तो उसी की ये प्रोग्रेस है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट मेंटेनेंस करोगे, प्रॉपर पानी का TDS मेंटेन करोगे, प्रॉपर पानी का pH लेवल मेंटेन करोगे तो आपको किसी तरह की प्रोग्रेस में दिक्कत नहीं होगी और आपकी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी होगी। ये जो है ना, यहाँ पे भी अभी कुछ ही दिनों में टमाटर लगेंगे। और एक ये और पौधा है जिसमें देखो ये फ्लावरिंग, ये देखो नीचे यहाँ पे भी फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ पे भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है पौधों की। तो मेरा कहना है ये कि अगर आप प्रॉपर पौधों को मेंटेन करोगे, आपके NFT सेटअप की केयर करोगे तो किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, जब सब में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। कुछ ये हमारे पौधे हैं जो हमने कुछ दिनों पहले ट्रांसप्लांट किए थे, बट ये देखो इनकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। अब इनको थोड़ा सपोर्ट के लिए मैं इनको बांध दूँगा, ठीक है। तो इस तरह की ग्रोथ है हमारे पौधों की। और ये देखिए, टमाटर लग चुके हैं। ये देखिए, तो हमेशा ध्यान ये रखें, प्रॉपर इनको धूप मिलनी चाहिए, प्लस इनका टेम्परेचर जो प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, किस लेवल पे कितना TDS का पानी देना है, कितना न्यूट्रिएंट देना है, उन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो शायद आपके पौधे में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसी तरह की आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगी जिस तरह की ये ग्रोथ है। और कुछ ये पौधे हैं जो जल रहे हैं, तो ये किस वजह से होता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट मेरी अपडेट आएगी। मेरे भी कुछ दो तीन पौधे हैं जो जल गए थे, इस तरह से मुरझा के मर जाते, उसके बारे में मैं अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए, ये बिल्कुल मुरझा गया है और मर गया है, तो ये किस वजह से होता है उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आज था एक छोटा सा अपडेट अपन चेरी टमाटर के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ सवाल रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।